आज के फनकार। आज के फनकार, हमारा ये कार्यक्रम आज केंद्रित है प्रसिद्ध अभिनेत्री सिमी गरेवाल पर। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, तेरी है बर्निंग ट्रेन फिल्म की ये स्कूल टीचर मूर्धन्य फिल्मकार राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में भी शिक्षिका के रूप में ही पर्दे पर दिखाई दी। पौगंडावस्था के छात्रों की मानसिकता को समझते हुए उन्हें पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाने वाली इस अदाकारा को जब पहली फिल्म मिली तब वो स्वयं भी मात्र 15 वर्ष की थी। 1962 की ये फिल्म थी टार्जन गोज टू इंडिया। अंग्रेजी में बनी इस फिल्म में उनके नायक थे फिरोज खान। उस कच्ची उम्र में उनका अभिनय इतना अच्छा तो अवश्य था कि उन्हें और भी कई फिल्मों में भूमिकाएं मिली। 60 के दशक की ये फिल्में थीं 1965 की तीन देवियां और जौहर महमूदीन गोवा, 1966 की फिल्म दो बदन, 1968 की फिल्में आदमी, साथी और एक रात। इनमें से दो बदन तथा साथी, इन फिल्मों की भूमिकाओं के लिए उन्हें फिल्म फेयर उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। निकली
1947 के अक्टूबर महीने की 17 तारीख को लुधियाना में जन्मी सिमी गरेवाल के पिता फौज में ब्रिगेडियर थे। सिमी का बचपन ज्यादातर इंग्लैंड में बीता और स्कूली शिक्षा उन्होंने अपनी बहन अमृता के साथ न्यूलैंड हाउस स्कूल से प्राप्त की। स्वतंत्रता वर्ष में जन्मी सिमी ने बतौर नायिका अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में काम किया, परंतु उससे पहले 1962 में सन ऑफ इंडिया में भी छोटी सी भूमिका निभाई थी। 1970 के दशक में सिमी गरेवाल की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। मृणाल सेन की पदतिक और सत्यजीत राय की औरण्यर दिन रात्रि, इन बांग्ला फिल्मों के साथ साथ उनकी राज कपूर द्वारा निर्मित मेरा नाम जोकर की स्कूल टीचर की भूमिका भी काफी सराही गई। बोलो बताओ, टीचर के दो आगे, टीचर के दो पीछे, टीचर आगे, टीचर पीछे, टीचर बोलो कितने टीचर। कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। बोलो, चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, पीछे तीतर बोलो कितने तीतर। तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, तीतर आगे, तीतर पीछे, तीतर बोलो कितने तीतर। आगे 70 के दशक में सिमी गरेवाल अंदाज, दो बूंद पानी, सीमा, अनोखी पहचान, सिद्धार्थ, नमक हराम, हाथ की सफाई, नाच उठे संसार, चलते चलते, अभी तो जीले और एहसास, इन फिल्मों में दिखाई दी। जब दे रही
सीमा हाथ की सफाई चलते चलते जैसी मशहूर फिल्मों में वो दिखाई तो दी, परंतु एक माकूल पहचान बनाने वाला रोल उन्हें मिला 1980 में फिल्म कर्ज, जिसमें वो खलनायिका के रूप में पर्दे पर आईं। इस भूमिका ने उन्हें फिल्म फेयर उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन भी दिलाया और फिल्म समालोचकों की तारीफ भी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना जैसे जैसे समय बदला, सिमी गरेवाल ने अपने व्यावसायिक जीवन को भी परिवर्तित किया। 1980 में ही सीगा आर्ट इंटरनेशनल के नाम से उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी खोल ली। 1983 में दूरदर्शन के लिए अंग्रेजी में उन्होंने धारावाहिक श्रृंखला का निर्माण किया, जिसकी वो सूत्रधार, निर्मात्री और निर्देशिका थीं। 1984 में उन्होंने फिल्मकार राज कपूर पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री बनाई, लिविंग लेजेंड राज कपूर। 1988 में सिमी गरेवाल ने अपनी ही लिखी कहानी पर एक फिल्म बनाई, रुखसत। निर्देशन के साथ साथ इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। वृत्तचित्र, टीवी शोज और फिल्मों के अलावा उन्होंने बहुत से टेलीविजन कमर्शियल्स अर्थात दूरदर्शन के लिए विज्ञापन फिल्मों का भी निर्माण किया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में उन्हें पैटर्स अवार्ड से नवाजा गया। रेंडेवू विद सिमी गरेवाल टेलीविजन का ये टॉक शो अत्यधिक चर्चित और लोकप्रिय रहा, जिसकी वो सूत्रधार थी। हालांकि किसी भी समारोह में श्वेत वस्त्र परिधान करने वाली सिमी गरेवाल द लेडी इन व्हाइट के नाम से जानी जाती हैं। उनका फिल्म और टेलीविजन का सफर अन्यान्य किरदारों की वजह से रंगीन ही रहा। वादा कर ले कर ले जाने जा तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा ये वादा रहा न होंगे जुदा ये वादा रहा ये
जब से मुझे तेरा प्यार मिला अपनी तो है बस ये ही दुआ हर जन्म यूं मिल के रहेंगे हर जन्म यूं मिल के रहेंगे के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सिमी गरेवाल पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रिकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।